हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 12 मंथ्स इन अ ईयर पेज नंबर 33 पर दिया गया है, आज मैं कवर करने वाला हूं इस वीडियो में, और इसी के साथ आपका पार्ट वन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग क्लास। 12 मंथ्स इन अ ईयर, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है मंथ्स ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर यानी जो हम रेगुलर देखते हैं, जिसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च ये सब देखते हैं, इसको हम इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं। तो आपको मंथ्स तो पता ही होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, स्टार्ट होता है जनवरी से और एंड होता है दिसंबर पर। इसके बाद अगर आप सीजन देखें, थ्री सीजन्स होते हैं। विंटर होता है जिसको ठंडी कहा जाता है, इसके बाद आता है समर जो गर्मी होती है, समर वेकेशन आपको मिलता है, समर के बाद आता है रेनी सीजन जिसमें बारिश होती है। अब इसके बेसिस पे हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कहा जा रहा है नेम द मंथ्स दैट हैव 30 डेज। तो अब आपको यहाँ पर ऐसे मंथ्स बताना है जिसमें 30 डेज हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्लियरली दिया गया है, यहाँ पर अप्रैल में 30 है, जून में 30 है, सितंबर में 30 है, नवंबर में 30 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे आंसर में अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है हाउ मेनी मंथ्स ऑफ 31 डेज आर देयर इन द होल ईयर। 31 डेज के कितने मंथ्स हैं? देखो यहाँ पर जनवरी से स्टार्ट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल हमें नंबर्स पूछा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है हाउ मेनी डेज डज फरवरी हैव। फरवरी में कितने होते हैं, 28 या फिर 29 डेज। तो यहाँ पर आंसर आप क्या लिखोगे, 28 और 29 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है विच मंथ कम्स बिफोर जून। तो देखो जून के पहले कौन कौन से मंथ्स आते हैं ये आपको बताना है। जून के पहले आता है मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी। जैन से स्टार्ट होता है तो आप जनवरी तक ही काउंट करोगे। तो कौन कौन सा लिखेंगे हम, देखो आंसर यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है विच इज़ द मंथ बिफोर जनवरी। जनवरी के पहले कौन सा मंथ आता है ये आपको बताना है। तो जनवरी के पहले कोई भी मंथ नहीं आता है, तो यहाँ पर हम आंसर में क्या लिखेंगे, देयर इज नो एनी मंथ बिफोर जनवरी। जनवरी स्टार्टिंग मंथ होता है, उससे पहले कोई भी मंथ नहीं आता है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसको। तो इस वाले बॉक्स में क्या कहा जा रहा है कि 30 डेज वाले जो मंथ है उसमें कौन कौन आता है, सेप्टेम्बर आता है, अप्रैल आता है, जून आता है और नवम्बर आता है, और बाकी जितने भी मंथ्स हैं वो सब 31 डेज वाले हैं एक्सेप्ट फरवरी। फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो पेज नंबर 33 पर ही मंथ्स ऑफ द इंडियन कैलेंडर दिए गए हैं। तो इससे पहले जो हमने देखा था वो इंग्लिश कैलेंडर था जो जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर पे एंड होता है। यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, द ईयर बिगिंस विद द मंथ ऑफ चैत्रा एंड एंड्स विद फाल्गुन। इंडियन कैलेंडर में स्टार्टिंग मंथ होता है चैत्रा और एंड वाला मंथ होता है फाल्गुन। तो यहाँ से अगर आप देखें तो चैत्रा है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़, श्रावण, भद्रा, अश्विन, कार्तिक, अग्रयान, पौष, माघ, फाल्गुन, तो ये सब मंथ्स हैं। इसमें अगर आप सीजन देखें तो उसमें हमने थ्री सीजन देखे थे, यहाँ पर आपको 6 सीजन देखने को मिलते हैं। पहला होता है वसंत, नेक्स्ट होता है ग्रीष्म। तो जो जनवरी से स्टार्ट होता है तो उसमें 4 मंथ्स का एक सीजन होता है, यहाँ पर 2 मंथ्स का एक सीजन होता है। ठीक है, इसके बाद आता है वर्षा जो रेनी सीजन होता है, ये वसंत और ग्रीष्म जो है विंटर सीजन में आपको ये देखने को मिलेंगे। वर्षा और शरद जो है ये रेनी सीजन में होते हैं। इसके बाद हेमंत और शिशिर ये आपको गर्मी के सीजन में देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, ऑब्जर्व द पिक्चर अबव एंड फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। सीजन आपको बताना है जो हमने अभी देखा, वसंत पहले आपको दिया गया है, इसके बाद है ग्रीष्मा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपको दिया गया है, इस वाले बॉक्स में आपको लिखना है वर्षा, नेक्स्ट वर्षा के बाद आता है शरद, शरद के बाद आता है हेमंत, हेमंत के बाद लास्ट में आता है शिशिर। आया समझ में? नेक्स्ट देखो इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और पूछा गया है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द मंथ्स ऑन द कोचेस अंडर द ब्रिज। यहाँ पर आपको चैत्र दिया है, चैत्र से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसके बाद है वैशाख और इसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है भद्रा से। वैशाख के बाद में आपको 3 मंथ्स नहीं दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखो वैशाख के बाद क्या आता है, ज्येष्ठ आता है, ज्येष्ठ के बाद आता है आषाढ़ और आषाढ़ के बाद आता है श्रावण, श्रावण के बाद भद्रा आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है और उसके बाद अश्विन। ठीक है, तो ये हो गया आपका
इंडियन कैलेंडर्स का क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर 33 पर ही कंटिन्यूएशन में आपको दिया गया है अ स्कूल कैलेंडर। अब स्कूल का एक कैलेंडर आपको दिया गया है, यहाँ पर कुछ कन्वर्सेशन हुआ है रमा एंड यश के बीच में, कैलेंडर को ऑब्जर्व करना है और आपको आंसर देना है। रमा देखो क्या कह रही है, यश डू यू नो विच इवेंट्स विल टेक प्लेस इन अवर स्कूल इन दिसंबर। रमा ने क्वेश्चन पूछा कि यश क्या तुम्हें पता है दिसंबर में कौन सा इवेंट आने वाला है हमारे स्कूल में। यश ने कहा यस ऑफ कोर्स इट्स गिवन इन अवर स्कूल कैलेंडर, स्कूल वाले कैलेंडर में दिया हुआ है, ऐसा यश कह रहा है। तो रमा कह रही है ओके नाउ टेल मी ऑन विच डे इज द ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन। दिया गया 20 वाली डेट पर ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आ रहा है। रमा ने क्वेश्चन पूछा है कि कौन से डे पर आ रहा है, तो कौन सा डे है देखो फ्राइडे आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्राइडे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में रमा ने पूछा एंड द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। तो देखो कैलेंडर में आपको स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन टू डेट्स पे दिया है 12 एंड 13, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेज पूछा है थर्सडे एंड फ्राइडे, तो इस वाले बॉक्स में आप क्या लिखोगे थर्सडे एंड फ्राइडे। इट्स योर टर्न नाउ, विच फेस्टिवल डू वी सेलिब्रेट ऑन 25 दिसंबर। अब देखो यश ने क्वेश्चन पूछा रमा से 25 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। रमा ने कहा इजी इट्स क्रिसमस। इसके बाद देखो यश ने क्या कहा, ओके देन आई विल लीव नाउ आई हैव टू गेट रेडी फॉर द पिकनिक टुमारो। अब यश को कल पिकनिक जाना था तो उसके लिए उसको रेडी होना था, वो बोला कि ठीक है अब मैं जाता हूँ। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है थिंक कैन यू गिव द डेट ऑन विच रमा एंड यश हैड दिस कन्वर्सेशन। तो हमें कहा जा रहा है कि सोचो कि कौन से दिन इनका कन्वर्सेशन हुआ होगा, तो कैसे पता लगा सकते हैं हम कि कौन से दिन इन्होंने कन्वर्सेशन किया होगा। तो यश ने कहा कि टुमारो मुझे पिकनिक जाना है, तो यानी इसका मतलब होता है कि 6 दिसंबर को उन्होंने कन्वर्सेशन किया होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 6 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दी गई है, कहा जा रहा है टेक एनी कैलेंडर एंड टेल व्हाट इज स्पेशल अबाउट द डेट्स ऑफ एनी मंथ दैट फॉल ऑन ट्यूजडे। आपको कोई भी कैलेंडर लेना है, सिर्फ यही नहीं कोई भी कैलेंडर लो, क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि क्या ऐसी खासियत है कोई भी मंथ के डेट में जो ट्यूजडे पे आ रहा है। ठीक है, कोई भी ट्यूजडे आप ले लो, जैसे कि यही यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये ट्यूजडे में अगर हम देखें तो फर्स्ट वाली डेट जो है वो 3 पे है, इसके नेक्स्ट वाला अगर ट्यूजडे आप देखते हो तो वो 10 पर है, इसके नेक्स्ट 17 है और इसी के नेक्स्ट पे 24 और यहाँ पर 31 है। तो क्या स्पेशल आपको देखने को मिल रहा है इस ट्यूजडे वाली लाइन में, तो क्या हो सकता है, देखो पहले आपको 3 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 17, फिर 24, फिर 31। जब आप 3 में प्लस करोगे 7 को तो आपको 10 मिलेगा, इसी 10 में 7 को प्लस करोगे तो 17 मिलेगा, अगेन 17 में 7 प्लस करोगे तो 24 मिलेगा, 24 में फिर से 7 प्लस करोगे तो आपको 31 मिलेगा। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिख सकते हैं, ईच डेट कम्स इन स्टेप ऑफ 7, 7 डेज होते हैं हर वीक में, इसीलिए 7 के एडिशन पर आपको हर डेट मिलती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है व्हाट इज स्पेशल अबाउट द डेट ऑफ एनी मंथ दैट फॉल ऑन फ्राइडे। आप कोई भी फ्राइडे को आप ले लो, इसमें भी आपको सेम यही आंसर मिलेगा, ईच डेट कम्स इन स्टेप ऑफ 7। यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस है क्योंकि हर वीक में 7 डेज ही होते हैं, तो 6 में जब आप प्लस करोगे 7 को तो आपको 13 मिलेगा, 13 में प्लस करोगे 7 को तो आपको 20 मिलेगा, 20 में प्लस करोगे 7 तो आपको 27 मिलेगा। नेक्स्ट आपको फिर से कहा जा रहा है थिंक द डेट ऑन अ वेनसडे ऑफ अ मंथ इज 4। यहाँ पर वेनसडे को 4 है, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द डेट ऑन फॉलोइंग वेनसडे। 4 में जब आप प्लस करोगे 7 को तो आपको मिलेगा 11, तो आप कैसे लिख सकते हो 4 + 7 = 11। चलो नोट डाउन कर लो इसको, और इसी के साथ आपका ये लेसन भी कंप्लीट होता है 12 मंथ्स इन अ ईयर। और इसी कंप्लीशन के साथ हमारा ये पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट होता है, पार्ट 1 हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। दिवाली के बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 को, जो कि आपका सेकेंड टर्म होगा। यहाँ पर हमने हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आगे भी और लेसन्स के सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे विथ ईजी एक्सप्लेनेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही वीडियोज आपके लिए हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, टिल देन टेक केयर, बाय।